धनतेरस 2022 का त्यौहार आ ही रहा है। 96% लोग गलत सामान खरीदते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि इस दिन क्या खरीदना चाहिए। जानकारी के अभाव में गलत सामान खरीद लेते हैं और अपने वो आपको बर्बाद करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर नहीं बन पाती है और इसलिए बर्बाद हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं। अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। यहाँ बेहतरीन जानकारी आपको दी जाती है और दी जाती रहेगी, जिससे आपके घर में धन का ऐसा सैलाब आएगा कि दुनिया देखेगी। आप धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाएंगे और धनतेरस को क्या खरीदना चाहिए आपको ये भी बताएंगे आज के वीडियो में। उससे पहले ये भी बताएंगे कि धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए जो आपको बर्बाद कर सकता है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए डॉक्टर उमाश्री चैनल को। आपका प्यार और सपोर्ट हमारी असीम पूंजी है, जिसको हम संभाल के रखना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपको दुआएं देंगे हम अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। धनतेरस धन त्रयोदशी को बोलते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन बर्तन, सिक्के, आभूषण खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग जानकारी के अभाव में बेफिजूल की चीज़ें खरीद लेते हैं, डेकोरेटिव आइटम खरीद लेते हैं जो उनको नहीं खरीदने चाहिए। किस तरह की साज सज्जा की चीज़ें आपको खरीदनी है इस दिन हम आपको बताने वाले हैं। पहले इस दिन के बारे में जान लीजिए। इस दिन सायकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा होती है और धन्वंतरि जी की भी पूजा इस दिन होती है। इस वर्ष 22 अक्टूबर शनिवार को सायं 6:03 बजे त्रयोदशी लगकर प्रदोष काल व्याप्त है, जबकि अगले दिन रविवार को त्रयोदशी सायं 6:04 तक रहेगी। अतः रविवार को त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में बहुत कम समय के लिए व्याप्त हो रही है। अतः राजस्थान और गुजरात में धनतेरस का त्यौहार 22 अक्टूबर को ही मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। तो कुल मिला के आपको, अगर आप राजस्थान में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं, आपको 22 अक्टूबर के दिन 2022 को ये त्यौहार मनाना है और धन त्रयोदशी के दिन आपको ये सामान खरीद के नहीं लाना है और ये लाना है। दोनों की लिस्ट आज आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और अपना उद्धार करिए, जिससे आपको धन का सैलाब उमड़ के आए। धनतेरस के दिन कोई भी आर्टिफिशियल आपको चीज़ नहीं खरीद के लानी चाहिए। धनतेरस के दिन आपको चाकू छुरी खरीद के नहीं लाना चाहिए। कैंची भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। आपको इस दिन सुई धागा भी खरीद के नहीं लाना चाहिए। इस दिन नई चीज़ खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, हमने माना, लेकिन सिलाई मशीन आपको इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। हाँ, अगर प्रोफेशनली आप टेलर हैं तो एक उपकरण के रूप में आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह है अगर आप टेलर भी हैं तो कोई और अन्य चीज़ खरीद लीजिए। कोई चांदी का सिक्का खरीद लीजिए, कोई बर्तन खरीद लीजिए, लेकिन सिलाई मशीन को नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। इस दिन आपको जनरेटर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन वाहन खरीदना तो बहुत शुभ होता है, लेकिन आपको इस दिन ट्रैक्टर इत्यादि भी नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन आपको कोई भी काली चीज़ जो लोहे की हो, स्पेशली काली साइकिल भी इस दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन प्लास्टिक के बर्तन आपको नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन ओरिजिनल फूल लाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, लेकिन कैक्टस इत्यादि की खरीदारी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। नेचुरल पुष्प की खरीदारी कर सकते हैं जो विशेष रूप से काले ना हो, नीले ना हो। आप गुलाबी रंग के फूल खरीद सकते हैं, हल्के सफ़ेद रंग के, मतलब शेडेड वाले सफ़ेद कलर के आप कमल खरीद सकते हैं, गुलाब भी खरीद सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें। अगर आप सफ़ेद गुलाब खरीदते हैं तो आपको बचना चाहिए। इस दिन आप गुलाबी गुलाब खरीदें, लाल गुलाब खरीदें, गुलाब का पौधा खरीदें, आपको अत्यंत फ़ायदा होगा। आइए अब आपको बताते हैं इस दिन क्या चीज़ आपको खरीदने से धन का सैलाब होगा
और कुबेर भगवान आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और क्या चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए जिससे आपका धन का सैलाब, तिजोरी आपकी भर जाएगी, धन का सैलाब उमड़ के आएगा। मित्रों, यह वैसे तो ये दिन भगवान कुबेर का है और धन्वंतरी जी का है, लेकिन दिवाली का संपूर्ण फेस्टिवल भगवती लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। भगवती लक्ष्मी की पूजा करने से चल अचल संपत्ति आपको प्राप्त होती है, सभी सौभाग्य, रूप, तेज, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और भगवान लक्ष्मी विष्णु जी की ही मूल शक्ति हैं। तो इस दिन आपको माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी का पूजन भी करना चाहिए, भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा दिवाली के दिन की जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने खुद कहा है, जिस घर में गणेश जी की पूजा नहीं होगी वहाँ मैं पदार्पण ही नहीं करूँगी। दिवाली के त्यौहार के बारे में हम अलग से आपको जानकारी देंगे। आज की जानकारी धनतेरस पर ही केंद्रित है और इसी पर फोकस रहेगा सारा विषय। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस कहलाती है। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदने से बहुत शुभता प्राप्त होती है। वस्तुतः ये व्रत बहुत शुभ होता है और इसको आपको विधिवत मनाना चाहिए। धनतेरस के दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन जो दीप दान करता है उसको सभी कष्ट से मुक्ति मिलती है और उसको सब सुख विद्यमान रहते हैं। भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य माना जाता है। देव दानवों द्वारा क्षीर सागर का मंथन करते समय धन्वंतरी संसार के समस्त रोगों की औषधियों का कलश भरकर प्रकट हुए थे। इस दिन त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए इस दिन तिथि को संपूर्ण भारत में या अन्य देशों में भी भगवान धन्वंतरी जी का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आयुर्वेद के विद्वान और वैद्य समान सर्वत्र धन्वंतरी जी की प्रतिमा का प्रतिष्ठा करते हैं और पूजन करते हैं और सभी को निरोगी रहने की, रोग मुक्त रहने की कामना करते हैं। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। इस दिन स्वर्ण के आभूषण खरीदना बहुत शुभ होता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो सोने का सिक्का इस दिन खरीदें, विष्णु लक्ष्मी वाला, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इस दिन जो भी बर्तन आप खरीदते हैं उस पर अपना नाम अवश्य लिखवाइए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। कोई भी बर्तन आप खरीद के लाते हैं तो घर में लाने से पहले थोड़ी सी हल्दी उसमें भुरक दें, हल्दी से सातिया बना दें, फिर घर के अंदर लाएं तो आपकी ज़िंदगी में धन का कभी अभाव नहीं होता और सारा जीवन आपको पैसों का संकट कभी नहीं होता। धनतेरस के दिन आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और श्री यंत्र अपने घर में अवश्य ही सुशोभित करना चाहिए। इस दिन आप स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र जपते हैं, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है और उनकी पूजा भी आपको करनी चाहिए। ये कुबेर भगवान के समान ही समृद्धि आपको देते हैं और आपके जीवन में पैसों का सैलाब आता है। इस दिन कुबेर मंत्र आपको अवश्य ही जपना चाहिए। कुबेर मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः, या ओम वित्तेश्वराय नमः का जाप करें, इस दिन आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। इस दिन आप दक्षिणावर्ती शंख खरीद के लाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। इस दिन कुबेर यंत्र आपको खरीद के लाना चाहिए। इस दिन आप कोई नया पैन खरीद के लाएं, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। इस दिन चांदी का सिक्का आप लाते हैं जिस पे श्री यंत्र बना हुआ हो वो बहुत शुभ होता है, इस दिन आपको खरीद के अवश्य लाना चाहिए। इस दिन कुछ प्लांट भी होते हैं जो इस दिन खरीदना बहुत शुभ होता है। मनी प्लांट का पौधा आप इस दिन लाते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। गुलाब का पौधा इस दिन आप खरीद के लाते हैं नेचुरल, आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। कमल का पौधा या आप कमल गट्टे की माला भी इस दिन खरीद के लाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। इस दिन नए वस्त्रों की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। दिवाली तक आप खरीदारी कर सकते हैं। अमावस्या दिवाली के दिन आती है, लेकिन अमावस्या ऐसा त्यौहार है जो दिवाली के दिन आता है, लेकिन इस दिन आप नए कपड़े खरीद के लाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और आपके पितृगण भी प्रसन्न होते हैं।
यही ऐसा त्यौहार है जिस दिन नए कपड़े खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अन्य अमावस्या के दिन आपको नहीं खरीदने चाहिए नए कपड़े, इससे पितृदोष पनपता है। लेकिन इस दिन आप कोई भी चीज़ नई खरीद के लाते हैं, अपने घर का डेकोरेशन करते हैं, वस्त्र लाते हैं, बेडशीट्स लाते हैं, तो आपको मनमाना पैसा मिलता है। मतलब आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आपके घर के देवी देवता भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आज हमने आपको कुछ चीज़ें बताई जो खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन, और ऐसी चीज़ें भी बताई जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए। इन चीज़ों में आप गलती नहीं करें और सावधानी रखें। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम अन्य और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। आप कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। थैंक यू सो मच।